नमस्कार, जय हिंद। में आपका दोस्त साथी मित्र यानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के बारे में। आपने अक्सर न्यूज समाचार पत्र सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम में सुनते होंगे कि इस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित है। तो आखिर ये भारत रत्न क्या होता है? अगर भारत रत्न के बारे में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पता होती है तो ये जानते हैं कि भारत रत्न एक सर्वोच्च सम्मान होता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि भारत रत्न की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत रत्न किन लोगों को दिया जाता है। भारत रत्न एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिलता है क्या उस पर कानून लागू नहीं होता है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है और भारत रत्न से जुड़ी बातें हमें जरूर मालूम होनी चाहिए। तो सो आज इस वीडियो में आपको इन्हीं तमाम प्रकार के सवालों का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि भारत रत्न क्या है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है, यानी सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जिसे सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आते हैं कि भारत रत्न किन व्यक्तियों को मिलता है। तो आपको बता दें कि भारत रत्न उन व्यक्तियों को मिलता है जो अपने कला के माध्यम से देश का नाम रोशन करते हैं, जो अपने कला के माध्यम से राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, चाहे वो खेलों के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, इन तमाम प्रकार के क्षेत्र में जो अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शन करके अपने टैलेंट के माध्यम से देश विदेशों में नाम रोशन करते हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ये आसान भाषा में समझिए। वैसे समझने के लिए तो बहुत सी बड़ी बड़ी भाषाएं हैं, लेकिन आसान भाषा में समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। भारत रत्न उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जो अपनी कला और टैलेंट के माध्यम से देश विदेशों में भारत का नाम रोशन करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है कि भारत रत्न जब इतना बड़ा सम्मान है तो भारत रत्न का जो आकार होगा, डिजाइन होगा, वो भी तो बहुत बड़ी होती होगी। लेकिन आपको बता दें कि भारत रत्न बहुत बड़ा नहीं होता है। भारत रत्न एक पीपल के पत्ते के समान होता है, उसकी डिजाइन उसी तरीके से होती है। पीपल के पत्ते में प्लेटिनियम का एक सूर्य बना होता है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, और उसी सूर्य के नीचे लिखा रहता है भारत रत्न। और उसमें उसी के पीछे की अगर बात करें तो उसके पीछे अशोक स्तंभ का एक चिन्ह होता है बीच में, और उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो शायद आप समझ गए होंगे। और अगर बात जो आती है कि भारत रत्न जो पहनने की बात आती है, उसको एक फीते के समान, सफ़ेद फीता रहता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उस फीते से भारत रत्न को लगाकर पहना जाता है। इस तरीके से भारत रत्न की जो डिजाइनिंग है बहुत ही छोटी होती है, लेकिन सम्मान जो है भारत रत्न वो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद अगर बात करें तो भारत रत्न को पदवी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिल गया वो ये लगा के चलने लगा कि हम भारत रत्न से सम्मानित हैं, या हमको भारत रत्न दिया गया है, या और तमाम प्रकार की चीजें, मतलब उसका एक प्रचारित नहीं कर सकता है वो। जिस तरीके से विधायक, सांसद राजनीतिक में एक अलग नेम प्लेट लगा लेते हैं कि विधायक की गाड़ी है या सांसद की गाड़ी है, तो इस तरीके से उसमें प्रचारित पदवी के रूप में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, या कहीं पे उसका काम नहीं हो रहा है तो ये बोलने लगे कि हम भारत रत्न से सम्मानित है, हमारा काम करो, तो इन तमाम प्रकार की चीजों में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है भारत रत्न का। और उसके बाद अगर बात करें तो भारत रत्न एक साल में तीन ही व्यक्तियों को दिया जा सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि एक साल में ही दिया जाएगा, यानी कि हर साल भारत रत्न दिया जाए ये जरूरी नहीं है, और एक साल में तीन ही व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि भारत रत्न क्या है, भारत रत्न किन लोगों को दिया जाता है, भारत रत्न की डिजाइन किस तरीके से है, और भारत रत्न एक साल में कितने व्यक्ति को दिया जाता है। तो शायद अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ न समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, आपको हम अच्छे से और एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि भारत रत्न की शुरुआत कहाँ से हुई। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, और भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हें भारत रत्न सबसे पहले प्रदान किया गया था, और 1954 से 2019 तक में 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया चुका है। लेकिन आपको बता दें कि भारत रत्न ऐसा है कि भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भारत के विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। आप तीन कह सकते हैं या दो कह सकते हैं। जो मदर टेरेसा थी उन्हें तो भारत की नागरिकता मिल चुकी थी, तो दो व्यक्ति थे जो अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान के हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और दूसरे जो हैं वो नेल्सन मंडेला हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आपको बता दें कि 1954 में जब भारत रत्न आया था तो उस समय पर मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें भारत रत्न देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे फिर चेंज कर दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है और भारत के लिए बहुत से योगदान दिए थे,
भारत का मान सम्मान गौरव अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ाए थे। तो फिर इसे सोचे से समझने के बाद 1955 में इसे चेंज करके ये कह दिया गया कि भारत रत्न उन व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। उनसे चेंज करके प्रावधान ये बना दिया गया कि भारत रत्न उन व्यक्तियों को भी दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो देश के लिए कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, तो उन व्यक्तियों को परिवार को उनके नाम से भारत रत्न दिया जाएगा। तो 1955 में इसे चेंज करके और इसे बदल दिया गया। उसके साथ साथ भारत रत्न से सबसे कम उम्र के आयु वाले सम्मानित सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि भारत रत्न की शुरुआत किस तरीके से हुई, भारत रत्न में कैसे कुछ चेंजेस किए गए, किस तरीके से पहले व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाएगा, तो अच्छे से शायद आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिल जाता है तो क्या उस पर कानून लागू नहीं होता है। तो आपको बता दें कि कानून सभी पर लागू होता है, चाहे वो भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट का सबसे मुख्य न्यायाधीश हो, किसी भी व्यक्ति पर ऐसा नहीं है कि कानून लागू नहीं होता है, सभी व्यक्ति पर कानून लागू होता है। ये 2-3 साल पहले बहुत ही ज़्यादा अफवाह उड़ी थी इस तरीके से, लेकिन ये सच नहीं है। कानून सभी पर लागू होता है, सभी पर कानून का पालन करना होता है, अगर बशर्ते वो गलत काम ना करें। अगर गलत काम करते हैं तो उन पर कानून अच्छे से लागू होगा और उसी तरीके से कार्रवाई होगी जिस तरीके से आम आदमी की होती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है उसको कुछ VVIP सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, कि जैसे मान लीजिए कि ट्रेन में टिकट फ्री रहता है और आपको हवाई जहाज में यात्रा फ्री रहती है फर्स्ट क्लास में, और इस तरीके से अगर उसको लोकसभा राज्यसभा में अगर भाग लेने की अनुमति होती है उसमें, और ये तमाम प्रकार की चीज़ें उसमें कुछ छूट होती है। अगर मान लीजिए उसके जान के खतरा है या सुरक्षा के लिए ज़रूरत है तो उसको एक अच्छी व्यवस्था की सुरक्षा कराई जाती है। तो ये तमाम प्रकार की कुछ छूटें भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि कानून में छूट उसे मिल जाती है। तो शायद आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति पर कानून को छूट नहीं होती, उस पर भी कानून बराबर लागू होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत रत्न क्या है, भारत रत्न की शुरुआत किस तरीके से की गई, भारत रत्न का डिजाइन क्या है, भारत रत्न के पहले भारत रत्न सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे, भारत किस तरीके से हमारे बीच में है, कब से शुरुआत, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी फ्रेंड्स आपको ये नॉलेज जान सकें। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।